झारखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही कार्यकर्ता थाने के दहलीज पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मामला एक बुलेरो गाड़ी के चोरी होने का है। रांची जिला महानगर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष किशन राम की बुलेरो गाड़ी बीते 8 महीने पहले उन्हीं के आवास से चोरी हो गई थी। इसके बाद से जगन्नाथपुर थाना में FIR दर्ज की गई। इस घटना के बाद बुलेरो गाड़ी के मालिक किशन राम ने थाने के चक्कर लगाए, लेकिन गाड़ी बरामद नहीं हुई। वहीं किशन राम ने अपने बलबूते गाड़ी का पता लगाया और थानेदार को बताया कि उनकी गाड़ी बिहार के पावापुरी में दिखी है। इसके बाद किशन राम 8 महीने तक थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन इस मामले पर पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इस बीच किशन राम ने पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी। होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथपुर थाने का घेराव किया और मुख्य द्वार पर बैठकर घंटों नारेबाजी की। पीड़ित किशन राम ने थानेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस काम के लिए उन्हें 25,000 रुपए चाहिए। थानेदार ने यह डिमांड उनके सामने रखी थी। यही नहीं, थानेदार के कार्यकाल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। मेरा बिलेरो गाड़ी 2018 अप्रैल में चोरी हुई थी, जो हमने अपने स्तर से गाड़ी को छानबीन करके पता लगाया तो गाड़ी पावापुरी ओपी में मिला। 8 महीना थाना में हम दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि गाड़ी मेरा ला दीजिए। तो कभी कहना है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, कभी कहता है कि समय नहीं है, इसी कहकर उटाल मटोल थाना प्रभारी करते रह गए हैं। डिमांड वगैरह? हाँ, पैसा की डिमांड, 25,000 की डिमांड किया था पैसा की। यहाँ तो करेक्टर में पैसा मांगता है बहुत लोग। यहाँ किया काहे के लिए किया? गाड़ी लाने के लिए। कितना पैसा का? 25,000 रुपया का। क्या बोला यार? 25,000 रुपया दीजिए, हम गाड़ी ला देंगे। और उसके बाद आने जाने का खर्चा भी अलग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णकांत राम, रांची महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा।